हेलो स्टूडेंट्स दिस इज एन सी आर टी क्लास टेन साइंस चैप्टर फोर क्वेश्चन नंबर फोर एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इन सी एस थ्री सी एल तो सी एस थ्री सी एल में कोवल एंड बॉन्ड बताना है कैसे होता है तो फर्स्ट आइनिक बॉन्ड्स नहीं हो सकता कार्बन में क्या होता है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अब या तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो फोर इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए या फिर फोर इलेक्ट्रॉन गेन करें अब आयनिक बॉन्ड्स के लिए फोर इलेक्ट्रॉन्स लूज करना या फोर इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इसमें काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है तो इसलिए क्या होता है कार्बन क्या बनाता है कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है तो कोवलेंट बॉन्ड्स में क्या करेगा इसको फोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो फोर इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा बाकी एटम से तो कार्बन है तीन हाइड्रोजन के एटम्स हैं अब हाइड्रोजन को क्या चाहिए हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसको सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन चाहिए मीन्स एक ऑलरेडी है तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है किसी दूसरे आइटम के साथ तो क्या करते हैं हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो गया सिमिलरली इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर कर रहे हैं तो मीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड अब क्लोरीन क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट बैलेंस शेल में इसके पास सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्लोरीन के पास सेवन है ऑलरेडी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये क्या करता है ये सेवन्थ वाले को शेयर कर देगा और कार्बन एक अपनी तरफ से शेयर करेगा तो ये क्या बन जाएगा अपने पास सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड चार एटम्स के साथ कार्बन बना रहा है तो ये इस तरीके से कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी और बाकी वो कैसे शो करेंगे हाइड्रोजन के ये डुप्लेट दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसको डुप्लेट बोलेंगे हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट शेल में और क्लोरीन के एट इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट शेल में इसको दूसरा दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड मींस दो आपके इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तीन हाइड्रोजन आइटम्स के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा कार्बन और एक बॉन्ड क्लोरीन के साथ